किस सब्जेक्ट को मैं कैसे कवर करता हूँ, है ना, और कौन सी बुक मैं उसके लिए यूज करता हूँ, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो कैसे हो, आई होप सब बढ़िया हो। इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने वाला हूँ, बुक्स दिखाने वाला हूँ कि आपका फेलो एस्पायरेंट, जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसी मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो मैं किस चीज के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी बुक प्रेफर करता हूँ, मतलब पर्सनली, मतलब मैं कॉमन तैयारी कर रहा हूँ एक, है ना, मुझे CAPF भी देना है, मुझे APFC भी देना है। तो कॉमन चीज, कॉमन बात है, तो आप भी शायद ऐसा ही कर रहे होगे। स्पेशली एक चीज मैं बोलूंगा, स्पेशली ना आप APFC को टारगेट मत करो कि बिल्कुल APFC के बिना कुछ है ही नहीं, बस जो है वही है, ऐसा मत करो, है ना, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता है, नोटिफिकेशन तक नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आएगा आएगा। बट कॉमन अगर एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके लिए और हम, मतलब हमारे लिए ना बहुत सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाली बस APFC को पकड़ के बैठ गए, समझ रहे हो। ये टूट गया, अब ये दूसरा मंगवाना पड़ेगा, या इसको कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक यूज करता हूँ, तो मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भी मेरा जो एक फेलो एस्पायरेंट है, यानी कि मैं कैसे चीजों को कवर कर रहा हूँ, कुछ मुझे आपसे सीखने मिलेगा, आपको कुछ, आपको मुझसे सीखने मिलेगा, तो ये चीज है, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो NCERT मैंने ले रखी है 11th क्लास और 12th क्लास की। तो इकोनॉमिक्स है, ये देख रहे होगे आप, इकोनॉमिक्स है, और ये पॉलिटी है, और ये आपकी रही भूगोल। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ GS, मतलब ये थोड़ा ज्यादा समझ में आता है हिंदी में मुझे पर्सनली, तो ये अपनी अपनी चॉइस है, है ना। और ये है हिस्ट्री, ठीक है, ये तीनों पार्ट हिस्ट्री के। तो ये तो हो गई हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये है एटलस, इसको मैप्स वगैरह करने के लिए, ज्योग्राफी करने के लिए मैं ये भी कर रहा हूँ साथ में, इससे अच्छा याद हो जाता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको इसकी जगह कोई दूसरी लेनी है तो आप वो भी दूसरी ले सकते हो, मैंने ऑक्सफोर्ड की एटलस ले रखी है। ये वाली बुक्स और ये बुक्स चाहिए आपको तो मैं इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खरीद लेना। तो और इंग्लिश के लिए ये मैंने बताई दिया था आपको, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स कर रहा हूं मैं, ठीक है। और एक और बुक है, उसकी अगर लिंक चाहिए मैं लिंक दे दूंगा, दूसरी बुक की SP बख्शी, वो शायद आपके पास होगी, ऑलमोस्ट बहुतों के पास होगी, है ना। तो एक वो बुक है, और उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज जो आती है मेरे हिसाब से, मेरे लिए, जिन्होंने मेरी हिस्ट्री को कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दिस इज स्पेक्ट्रम, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बुक है, मैं समझता हूँ UPSC वालों के लिए तो मतलब रामबाण है। और दूसरा ये है एक और, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये है बिपिन चंद्रा की, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने ये भी पढ़ी हुई है। पहले मैंने NCERTs कवर की थी जब मैं CDS की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने ये मंगाई जब मैं UPSC की प्रिपरेशन में लगा। और एक है मेरे पास सतीश चंद्रा मेडिवल इंडिया की, और ये है आदर्श शर्मा एंशियंट इंडिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री मिक्स पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली मैं हिस्ट्री केवल NCERT से ही कवर कर रहा हूँ, और ये वाले सोर्सेज भी हैं मेरे पास, ठीक है जी। और पॉलिटी के लिए जो आप सभी जानते हो, एकमात्र रामबाण M. लक्ष्मीकांत, मेरे पास 5th एडिशन है, आप 6th ले लेना, उसमें कुछ अच्छा, कुछ और नया आया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मेरे पास है GC Leong, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है अगर आप पढ़ रहे हो, अगर मतलब आपके पास, मैं बताता हूँ पहले तो क्या है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बेसिकली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा तो आप NCERT मत पढ़ो, बट स्पेक्ट्रम पढ़ लो और सतीश चंद्रा पढ़ लो, ये चीजें पढ़ लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे पर्सनली बहुत हेल्प की है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप CAPF भी देने जा रहे हो और APFC देने जा रहे हो, यहाँ तक कि प्रीलिम्स देने जा रहे हो, है ना, तो उसके लिए बहुत सही रहेगा। और मैं ये लेता हूँ हर 6 महीने की करंट अफेयर्स ईयरली, और वैसे मैं ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ, यूट्यूब से पढ़ता हूँ मैं करंट अफेयर्स, बाकी जो मेरी प्रिपरेशन होती है मैं अनअकैडमी से ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ, ठीक है। वीडियो के नीचे एक कमेंट था भाई का कि ज्योमेट्री APFC में नहीं आती, भाई मैं भी बता रहा था ना,
जो मेन एग्जाम्स है ना, जो रेगुलर एग्जाम्स है, उनकी तैयारी करो, ना कि केवल एपीएससी के पीछे लगो। ये दिमाग में बैठा लो इस चीज को। ऐसा नहीं है कि खाली एपीएससी के पीछे लगे हुए हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये मेरे पास बुक्स हैं, बाकी ये मेरे नोट्स बने हुए हैं इधर, ये मेरी नोट्स हैं, ठीक है। और साइंस वगैरह मैंने कर ली है, वो अनअकैडमी से की है, ठीक है। करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ये बुक्स आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करना, वहां से आप जो मर्जी खरीद लो। और हाँ, एक चीज और है, अगर बहुतों की शिकायत होती है कि ना इंग्लिश बहुत कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, नॉर्मन लुइस की। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, वोकैब अच्छी हो जाएगी आपकी। बाकी ये चीजें हैं मेरे पास, अगर आपको कुछ और चाहिए इस चीज से रिलेटेड, है ना, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं हेल्प करूंगा उसके लिए। मतलब मैं जितना कोशिश हो सकता है, आप एक तरह से मेरे क्लासमेट ही हो, है ना, मैं आपका क्लासमेट हूँ। तो बस यही चीज है, हम आपस में ऐसे मिल बांट के करते जाएंगे। तो फिर से बता रहा हूँ, इन सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से खरीद लेना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और बहुत सारी चीजों के लिंक दे दूंगा मैं, खरीद लेना वहां से अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और Thank you.